टू कर मेन देता थिंग्स हैं इसके अंदर. जी फर्स्ट जी इज दैट कि जो ये रोड क्लियर होता है होना इंशाल्लाह फ्यूचर में जा रहा है सारा मेन रोड हसन कमर्शियल रोड जो सही है है। जहाँ पे हेड ऑफिस मौजूद है उसके साथ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होने जा रही है इन फ्यूचर. इसके अलावा ओ ब्लॉक में क्या डील आई है बॉस? ओ ब्लॉक में जो ऑन ग्राउंड जो अभी चीज़ें आई हैं वो इस तरह की हैं कि जो रास्ता क्लियर हुआ वहाँ से भी जो ऑन पोजेशन वहाँ से भी क्लियर हुआ है उसमें भी ऑन ब्लॉक में 6 मल्ला की कैटेगरी में और 7 और 10 मल्ला की कैटेगरी प्लॉट्स क्लियर हुए रेट्स क्या हैं. बताया आपने? 1 करोड़ 25 लाख. सो ये दो बेहतरीन किस्म की एग्रेसिव किस्म की इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर सीरियस इन्वेस्टर्स। मेरे साथ बहुत बड़ी तादाद में सीरियस इन्वेस्टर्स अटैच हैं। सो जी ये मोरक्कन चिकन बर्गर है और खूबसूरत सॉसेस के साथ फ्राइज भी है और दैट्स द फिश सैंडविच विद फ्राइज एंड अदर सॉसेस। कौन सा खाना है? फिश फिले। फिश फिले सैंडविच और शेफ्स। सो हम मौजूद हैं शेफ्स कम्युनिटी क्लब में। इस बंदे ने मुझे सोए हुए उठाया, उसने कहा यार कोई इम्पोर्टेंट डिस्कशन करनी है अबाउट रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है ये। तो मैंने कहा यार खाने के बगैर तो नहीं हम डिस्कशन कर सकते। तो हम जनाब मौजूद हैं लाउंज में शेफ्स कम्युनिटी क्लब के और यहाँ पे हम लंच करेंगे, आपको लाइव अपने साथ रखेंगे और देन डिस्कशन भी आपके सामने करते हैं। ये कर दें मोरक्कन चिकन बर्गर कर दें और मेंबरशिप जो है 413 है शिरोज। और शेक पियोगे आप? हैव सम शेक ब्रो, जस्ट फॉर द फॉर मेंबर्स। अगर आप मेंबर हैं तो आप ये चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं, अगर आप मेंबर नहीं हैं तो यू कांट इंजॉय इट। सो यार जो जिसके लिए मुझे हुसैन भाई ने यहाँ पे बुलाया है वो जो जॉयलैंड है, जॉयलैंड के कमर्शियल्स हैं ओबियसली एक नई हाइप सी क्रिएट हो चुकी है वहाँ पे, इन्वेस्टर्स बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं। सो हमने कहा, हुसैन भाई ने कहा कि यार हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा लें, पीछे ना रहें। सो हुसैन भाई क्या चल रहा है उन कमर्शियल्स पे, क्या सीन है? वैसे भाई कमर्शियल जो है ना जॉयलैंड के वहाँ पे 2 मल्ला के कमर्शियल अवेलेबल हैं और जो कॉर्नर के कमर्शियल हैं कोई 2.5 मल्ला 3 मल्ला 3.5 मल्ला की कमर्शियल अवेलेबल है वहाँ पे, ठीक है। और जो वहाँ पे रेट चल रहा है 2 मल्ले का कोई 1.25 के अराउंड बट वहाँ पे रेट चल रहा है 2 मल्ला कमर्शियल पे और बड़ा ही अच्छा और मुनफरिद कमर्शियल है। रेट्स क्या बताया आपने? 1 करोड़ 25 लाख 2 मल्ला 2 मल्ला का। सही है। तो क्या ऐसा हुआ है कि ये हाइप सी अगेन पैदा होगी, क्या गेट की वजह से हुआ है या क्या मतलब? टू मेन थिंग्स हैं इसके अंदर। फर्स्ट इज दैट कि जो ये रोड क्लियर होता है होना इंशाल्लाह फ्यूचर में जा रहा है सारा मेन रोड हसन कमर्शियल रोड जो है जहाँ पे हेड ऑफिस मौजूद है उसके साथ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होने जा रही है इन फ्यूचर। और सेकंड इज दैट कि यहाँ पे जो है ना रोड कारपेटेड हो गए हैं सारे और ऑन ग्राउंड कमर्शियल सारे हो गए हैं, पहले थोड़े से ऑफ ग्राउंड थे। तो अब जो सर्कल है जॉयलैंड का वो सारा जो है ना वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, और इस वजह से जो है ना हाइप ज़्यादा क्रिएट हो गई और इन्वेस्टर जो है ना अट्रैक्ट कर रहे हैं। और यार यहाँ पे ना कमर्शियल्स हमने तो अपनी आंखों के सामने रेट डबल डिट सेल्फ होते देखे हैं बड़े लिमिटेड से अरसे में। तो इसकी हाइप क्रिएट होने की सबसे बड़ी वजह हसन कमर्शियल एरिया से जो आगे की तरफ रोड जाएगा इन फ्यूचर, वहाँ पे सारे कमर्शियल सोल्ड आउट थे नॉन पोजेसिव, लेकिन अभी वो पोजेसिव होने जा रहे हैं। सो दैट्स द मेन रीज़न बिहाइंड दैट के जॉयलैंड के कमर्शियल्स जो हैं वो अपनी हाइप को क्रिएट कर रहे हैं। आप लोग भी आ सकते हैं, 1.25 करोड़ के करीब 2 मरला का कमर्शियल है। इसके अलावा ओ ब्लॉक में क्या डील आई है बॉस? ओ ब्लॉक में जो ऑन ग्राउंड जो अभी चीज़ें आई हैं वो इस तरह की हैं कि जो रास्ता क्लियर हुआ वहाँ से भी जो ऑन पोजेशन वहाँ से भी क्लियर हुआ है उसमें भी ऑन ब्लॉक में 6 मल्ला की कैटेगरी में और 7 और 10 मल्ला की कैटेगरी प्लॉट्स क्लियर हुए हैं। जो वहाँ पे जो मौजूदा रेट चल रहा है वो कोई 10-10.5 लाख रुपए रेट चल रहा है और जो अच्छे प्लॉट्स हैं उनको राइट नाउ अभी जो है ना वो 9.5 लाख पर मल्ला के हिसाब से अभी प्लॉट मिल जाएगा। मतलब कि अगर 50,000 पर मल्ला प्लॉट आपको नीचे मिल रहा है तो इन्वेस्टर लवर के लिए बड़ी अच्छी न्यूज है कि इसको जो है ना वो कितने मल्ला की कैटेगरी है? 6, 7 और 10 मल्ला 6, 7 और 10 मल्ला की इंस्टॉलमेंट पे है? इंस्टॉलमेंट पे नहीं, कैश पे है, 2 महीने का टाइम मिल जाएगा। इसमें ये है कि इन्वेस्टर्स को जो 9.5 में लेंगे 2 महीने के बाद लिफ्ट अप होने का 9, 70, 75 में आराम से प्लॉट मिल जाएगा। 6, 7 और 10 मल्ला की कैटेगरी है और 9 समथिंग का वो प्लॉट पर मल्ला के हिसाब से। सो ये दो इन्वेस्टमेंट की
अच्छे वाली अपॉर्चुनिटीज़ थी यहाँ पे। एक जॉयलैंड की कमर्शियल्स फ्यूचर में उसकी बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस होने वाली है ड्यू टू हसन कमर्शियल्स जो गेट्स अग्ञा वाले साइड से निकल रहे। सेकेंड ओ ब्लॉक के जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं 6, 7 और 10 मरला के, वो कैश प्लॉट्स हैं, इंस्टॉलमेंट पे नहीं है, लेकिन 2 महीने के अंदर आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं। सो ये 2 बेहतरीन किस्म की एग्रेसिव किस्म की इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर सीरियस इन्वेस्टर्स। मेरे साथ बहुत बड़ी तादाद में सीरियस इन्वेस्टर्स अटैच हैं और वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। फेज़ 2 एक सॉलिड किस्म की इन्वेस्टमेंट है। रहमान गार्डन्स का यहाँ की फैसिलिटीज़, यहाँ पे ऑलरेडी जो क्राउडेड किस्म का एक वेल रिकग्नाइज्ड अंदाज से क्राउड है, 10-12 हज़ार घर और दूसरी चीज़ें, सो दैट्स ए मैसिव थिंग। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हैं किसी भी किस्म की फेज़ 2 के अंदर रहमान गार्डन्स के, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बाकी क्या दे रहे भाई सर, अभी तो ऑर्डर दिया, वैसे अभी तो टाइम लगना है। यार मैं चाह रहा था कि वीडियो के अंदर आपको दिखाएं कि इनके सैंडविचेस कैसे के होते हैं। खैर उसका एक शॉट लगाएंगे हम, दिखाएंगे आपको कि यार सैंडविच जब आते हैं तो कैसे दिखते हैं। सो शेप्स कम्युनिटी क्लब की मेंबरशिप के लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। ऑलरेडी इसकी मैंने कुछ वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैं उसका लिंक भी, जो प्रीवियस शेप्स की वीडियो बनाई थी उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक। सो जी ये मोरक्कन चिकन बर्गर है और खूबसूरत सॉसेस के साथ फ्राइज भी है, और दैट्स द फिश सैंडविच विद फ्राइज एंड अदर सॉसेस। इन शेप्स कम्युनिटी क्लब गिवन बाय हुसैन भाई फ्रॉम रैन मार्केटिंग। सो एनी हो, आप भी शेप्स कम्युनिटी क्लब में आ सकते हैं और खूबसूरत मेल अपने इंजॉय कर सकते हैं और फैमिली टाइम भी यहाँ पे खूबसूरत अंदाज से स्पेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।